नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जिन दर्शकों ने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और लाइक भी करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। किसान आंदोलन के खिलाफ आज बड़ी महापंचायत, दिल्ली हरियाणा के दर्जनों गांव के हजारों लोग हुए शामिल। हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हुई फूलों की खेती, किसानों ने खड़ी फसलों पर चलाए ट्रैक्टर। मशरूम की खेती से हर महीने 50,000 कमाती हैं विनीता, 20,000 से अधिक आदिवासियों को बना दिया है आत्मनिर्भर। एक तरफ 26 जून को किसान एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज करने के लिए देश भर के राजभवन का घेराव करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे किसान आंदोलन से परेशानियां झेल रहे लोग भी सामने आने लगे हैं। दरअसल किसानों ने नेशनल हाईवे को प्रदर्शन का मुख्य स्थल बनाया हुआ है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए किसान आंदोलन के खिलाफ आज दिल्ली हरियाणा के कई गांवों ने 26 बिरादरी की महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में दिल्ली के 12 गांवों और हरियाणा के 17 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया और गाँव वासियों ने साफ तौर पर अपनी 3 मांगे रखी, जिसमें सबसे पहले तो बैरिकेड्स को हटाने की मांग रखते हुए किसानों ने कहा कि किसानों की तरफ से लगातार बॉर्डर पर हिंसा बढ़ी है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कई बार देखने को मिला है कि आसपास के लोगों के साथ किसानों की भिड़ंत हुई है। उन्होंने कहा कि हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए और बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा आयोजन से जुड़े संदीप ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों के अलावा बॉर्डर की सड़कों पर दुकानदार, आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री मालिकों और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों से नेशनल हाईवे खोलकर आंदोलन जारी रखने की बात भी कही गई है। जाए तरफ पिछले साल भी लॉकडाउन के चलते देश के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, तो वहीं इस साल भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी किसान मजबूरन अपनी फसलें खुद ही बर्बाद करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद जिले में फूलों की खेती करते आ रहे किसान अब नुकसान झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि वो वैकल्पिक खेती भी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से लगातार नुकसान झेल रहे हैं। वहीं दुख इस बात का है कि सरकार की तरफ से किसानों को कोई मदद नहीं दी जा रही है। बता दें कि हरियाणा के जिंद जिले में पिछले लॉकडाउन में भी किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शादियां, मंदिर, राजनीतिक कार्यक्रम बंद रहे, जिसके कारण फूलों की डिमांड नहीं आई। किसानों की माने तो उन्हें प्रति एकड़ 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब हालात ये हो चले हैं कि किसान खेती छोड़कर दूसरे काम ढूंढ रहे हैं। खबरों की माने तो जिंद, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर जिले के किसान ज्यादातर फूलों की खेती करते हैं, जिनको करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मशरूम की खेती से मुनाफा कमाने वाले कई किसानों की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसी महिला किसान के बारे में जो न सिर्फ खुद मशरूम की खेती से अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, बल्कि अब तक 20,000 आदिवासी किसानों को आत्मनिर्भर भी बना चुकी हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बांका जिले के झिरवा गाँव की रहने वाली किसान विनीता की, जिन्होंने पहले खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद खुद 5 बैग के साथ मशरूम उगाने की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला गया। खास बात ये थी कि विनीता के घर से यूनिवर्सिटी की दूरी करीब 300 किलोमीटर थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने पति के सहयोग से न सिर्फ खुद प्रशिक्षण लिया बल्कि लगभग अपने पूरे गांव वासियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। अपने साथ सबको यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाते हुए विनीता ने धीरे धीरे अब तक करीब 20,000 आदिवासियों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिलाकर आत्मनिर्भर बना दिया है। उनके आसपास के सभी इलाकों में विनीता को मशरूम दीदी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि विनीता ने आज के वक्त में अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर बिहार सरकार से मिले 15 लाख रुपए के अनुदान के बल पर स्पॉन बनाने के लिए एक लेबोरेटरी तैयार कर ली है, जिसके चलते आज के वक्त में विनीता सालाना करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती हैं।
विनीता बताती है कि गांव में हर एक दिन 50 किलो से 2 क्विंटल तक मशरूम निकलता है। इससे लोगों को लाखों रुपयों की कमाई होती है, यानी अब सिर्फ वो नहीं बल्कि उनका पूरा गांव आत्मनिर्भर हो गया है। बता दें कि विनीता की इस मेहनत को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें कई बार सम्मानित किया है। 2018 में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दिल्ली में जगजीवन राम पुरस्कार से विनीता को सम्मानित किया था। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।